हाउ टू फाइंड इंटर्नशिप बायर इन 2023। नया साल, नया जोश, नई एनर्जी, नई टेक्नोलॉजी, किस तरीके से लोग बायर को फाइंड करते हैं, उनको उनके साथ में डील करते हैं, डील को डन करते हैं, बायर को कन्विंस करते हैं, क्या तरीके हैं, और ये सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जो कि लोग उसको यूज करते हैं और काफी टाइम से चल भी रहे हैं, और नए भी कुछ आपके साथ में होंगे कि जो आपने नहीं यूज किए होंगे वो भी आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। तो आपका काम है सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है, और उसमें सबसे पहले पायदान पे आते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग टूल बन गया है अगर आपको ऑनलाइन बायर को फाइंड करना है। और सोशल मीडिया टोटल 27 सोशल मीडिया होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 27 सोशल मीडिया होते हैं, जिसको हम 4-5 को ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, या और जो ट्विटर हो गया, तो बेसिकली। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है, वैसे टोटल 27 सोशल मीडिया, उन पे आप अपना पेज बना सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी अपनी कर सकते हैं, आप खुद भी अपना पेज बना सकते हैं, या फिर किसी का जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, या कोई जो आईटी कंपनीज के कुछ फ्रीलांसर्स भी रहते हैं, वो भी बड़े सस्ते सस्ते में, बहुत कम प्राइस में आपके ऑनलाइन पेजेस बना देते हैं, या आप खुद भी सीख के उसमें बना सकते हैं, या आपको आता भी होगा। तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है लिंक्डइन। लिंक्डइन मुझे सबसे बेस्ट क्यों लगता है, क्योंकि लिंक्डइन पे सभी प्रोफेशनल लोगों का ग्रुप है। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सोशल भी चीज़ें होती हैं और प्रोफेशनल चीज़ ज़्यादा होती है। अभी बायर की बात कर लेते हैं कि बायर होता कौन है। आपकी तरह या मेरी तरह कंपनी का ओनर नहीं होता है। आप भी कंपनी के ओनर हैं, मैं भी एक कंपनी का ओनर हूं, तो कंपनी का ओनर बायर नहीं रहता। इनिशियल स्टेज में कंपनी का बायर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती जाती है तो कंपनी का जो ओनर होता है वो हमेशा बाय नहीं करता, उनका परचेज मैनेजर रहता है। जो कंपनी का परचेज मैनेजर रहता है, ही इज ए एम्प्लॉय, वो कंपनी का एम्प्लॉय है। तो कंपनी का जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की मैं बात करूँ, जो प्रोफेशनल लोग हैं लिंक्डइन पे ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। 80-90% प्रोफेशनल लोग ही वहाँ पर है, और लिंक्डइन से आप ये ढूंढ सकते हैं बायर को, और बायर के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। बायर जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक कंपनी है वोल्जा, उनका भी इसके साथ में टाइप है, और वोल्जा का हमारे साथ में भी टाइप है, तो आप उनसे भी बेसिकली डाटा ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं डाटा की, बात कर लेता हूं, सेकंड मेरा क्रांतिकारी उपाय आता है बायर्स डाटा। तो बायर का डाटा अगर आपको फ्री में लेना है तो इंडियन एम्बेसी से, अपनी ईपीसी से आप ले सकते हैं। अगर आपको पेड, लेकिन वो जो आप इंडियन एम्बेसी से लेते हैं, क्योंकि हमने भी पहले जो लिया था इंडियन एम्बेसी से लिया था, लेकिन वो डाटा तो मिलता है, लेकिन वो फिल्टर डाटा नहीं मिलता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें नंबर्स वगैरह कोई आपको अपडेटेड नहीं मिलेगा, किसी का ईमेल आईडी काम नहीं कर रहा है, तो कंपनी का एड्रेस ठीक नहीं है। तो मैं ऐसे ये बताना चाह रहा हूँ कि वो डाटा तो रहता है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और टाइम इज़ मोर देन मनी। टाइम इज़ मोर देन मनी। आपका टाइम अगर कोई सेव कर रहा है तो उसके लिए आप उसका सर्विस चार्ज दे सकते हैं, जैसे कि किसी वेबसाइट का आप ले सकते हैं, जैसे कि वोल्जा को मैं बेस्ट बताता हूँ। वोल्जा जैसे बिजनेस डॉलर भी, द बिजनेस डॉलर भी अच्छी वेबसाइट है, और वोल्जा भी एक अच्छी वेबसाइट है। वोल्जा का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। वोल्जा का बेसिकली मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वोल्जा का 1.2 लाख का एक पेड जो बेसिक वर्जन होता है वो आता है, उसको आप ले सकते हैं। अगर उतने पैसे आपके पास नहीं है तो आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, जो हमने लिया हुआ है उसका भी हम आपको बेसिकली कम प्राइस में आपको दे सकते हैं। आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे मैनेजर से पता कीजिए कि क्या रेट हमारा है। बेसिकली वोल्जा का जो सब्सक्रिप्शन है, जो कि 1 ईयर के लिए होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, इंडियन एम्बेसी से ले सकते हैं। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करो, थर्ड पॉइंट है मेरा डायरेक्ट फिजिकल वीट, यानी फिजिकल मीट करते हैं आप, यानी कंपनी उसके कंट्री में, टारगेट कंट्री में डायरेक्ट मीट करते हैं, वो भी एक सदियों पुराना चलता आ रहा है, लेकिन उसमें आपका टाइम ज्यादा लगता है, आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, उसमें आपके पैसे ज्यादा लगते हैं। कि अगर यहां से आपको यूएसए जाना है, फिजिकली मीट करेंगे तो कन्वर्जन रेशियो तो डेफिनेटली आपकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जब आप किसी से फिजिकली मीट करते हैं तो बेसिकली आपका ट्रस्ट फैक्टर जो है वो इंप्रूव होता है, ट्रस्ट फैक्टर इंप्रूव होता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो ट्रस्ट का ही बिजनेस है। तो आप अगर फिजिकल मीट करते हैं तो कंपलसरी आपका कन्वर्जन रेशियो मोर देन 80% तो रहेगा ही रहेगा। ऑनलाइन से जो आप जो बायर का डाटा रहता है, या फिर ऑनलाइन से आप जो बायर फाइंड करते हैं, उनका कन्वर्जन रेशियो बहुत कम रहता है, 0.5%, 1%, यानी 1000 लोगों को आप कांटेक्ट करते हैं तो मात्र 1-2 बंदा ही आपसे कनेक्ट होता है, और वो आपके साथ में डील करता है। लेकिन जब आप पर्सनली किसी से मीट करते हैं, उनको अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, उनके साथ में बात करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ में बात करते हैं, तो
आप क्या थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, एज ए फ्रेंड बन जाते हैं और ये इसका डील डन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। 80% के आसपास मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि 80% चांसेस रहते हैं डील डन होने के। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्रांतिकारी उपाय की, उससे पहले बताऊँ बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव देती है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। फोर्थ क्रांतिकारी उपाय मैं बता रहा हूँ, योर वेबसाइट। यस, आपको ऐसा लगता है कि आपकी वेबसाइट होना जरूरी है इंटरनेशनल मार्केट में? यस, मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से योर वेबसाइट इज योर पर्सनल योर वर्चुअल ऑफिस। तो आपके ऑफिस में लोग विजिटर आएंगे और बेसिकली आपकी जब विजिटर को आते हैं तो उसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है, जैसे मेरी जो मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का जो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी मेरे पास में मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है। उसका भी जब भी कोई मुझे नोटिफिकेशन आता है, तो कोई विजिट करता है तो मुझे उसका नोटिफिकेशन भी आ जाता है, टुंग ऐसे करके एक आवाज़ आती है और मैं अगर देखना मैं फ्री हूँ तो मैं उसको देख भी लेता हूँ कि बंदा कहाँ से आया है। तो कई बार कोई जर्मनी से विजिट कर रहा है, कोई इंग्लैंड से विजिट कर रहा है, कोई नेपाल से विजिट कर रहा है, कोई इंडिया से विजिट कर रहा है, अलग अलग कंट्री से आपके बेसिकली ऑफिस पे आ रहे हैं। कौन सा ऑफिस? वर्चुअल ऑफिस। तो वर्चुअल ऑफिस में आपका आएगा कैसे, उसकी आप डिजिटल मार्केटिंग कराएंगे, उसका आप SEO करेंगे, वो सब हम पूरा सिखाते भी हैं और हम वेबसाइट डिजाइन भी करते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करवानी तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे मैनेजर से बात कीजिए। अगर मैं बात करूं फिफ्थ क्रांतिकारी उपाय, गूगल। यस, गूगल भी आपको बायर देता है। अब आप बोलेंगे सर गूगल से कैसे बायर फाइंड करते हैं, बेसिकली गूगल पे आप जाइए, अगर आप राइस सेल करते हैं तो राइस का ही आप गूगल पे टाइप कीजिए, टॉप राइस इंपोर्टर कंट्री इन USA, या फिर आप अगर नेपाल में करना है तो नेपाल में ऐसे करके आप टाइप करेंगे तो वहाँ कुछ लिस्ट आ जाएगी और वो बायर भी रहेंगे, उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या मैप, अगर आप मैप की बात करें, जो गूगल मैप होता है, गूगल मैप में भी ऐसे आप टाइप करेंगे, जैसे कोई लोकेशन आप टाइप करते हैं ऐसे आप टाइप करेंगे तो वहाँ भी कुछ लिस्ट आ जाएगी, उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनसे उनका एड्रेस लेके, एड्रेस वहाँ गूगल मैप पे तो जरूर एड्रेस ही रहेगा, तो वहाँ पे आप उनको देख सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ वगैरह भी रहती है कि उनका शॉपिंग मॉल, उनकी दुकान कैसी, उनका फैक्ट्री कैसी है, वो पूरा भी आप वहाँ देख सकते हैं, वो हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं। सिक्स्थ क्रांतिकारी उपाय में आता है B2B वेबसाइट। B2B वेबसाइट जैसे कि Alibaba.com हो गया, या IndiaMart.com हो गया, GoForWorld.com हो गया, तो B2B वेबसाइट पे आप फ्री में भी रजिस्टर कर सकते हैं और पेड वर्जन भी आपको ले सकते हैं, लेकिन बायर नहीं देती हो, बायर की लीड देती है आपको, बायर की इंफॉर्मेशन देती है, जो कि बायर का डाटा लेने से भी आपको सेम पता चल जाता है। तो आप अगर सस्ते में काम करना चाहते हैं, कम बजट में काम करना चाहते हैं, तो बायर का डाटा, पेड डाटा आप लेके इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि जो B2B वेबसाइट है पैसा तो आपसे ले लेती है, लीड आपको देती है, कन्वर्जन करना आपका काम है, बायर आपसे कनेक्ट होगा लेकिन वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे बायर का आप डाटा ले सकते हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी से ले सकते हैं या फिर वोल्जा से ले सकते हैं, वोल्जा का आप डेमो ले लीजिए और उतना प्राइस आपके पास नहीं है तो बाकी डाटा हमसे आप शेयरिंग में ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 4-5 स्टूडेंट होते हैं तो 1.2 लाख का हम खरीदते हैं, उसमें 5 सब्सक्रिप्शन मिलती है, उसमें से एक आप भी ले सकते हैं। अगर मैं 7th नंबर क्रांतिकारी उपाय की बात करूं तो ट्रेड फेयर, जो ट्रेड फेयर होता है, ट्रेड एग्जीबिशन होता है, उसमें आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं या फिर उसकी बेसिकली वहाँ पर जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आपके एम्प्लॉय जा सकते हैं या फिर किसी को भी आप भेज सकते हैं। वो एक बेसिकली फिजिकल मेथड है बायर फाइंड करने का, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है, उसमें मोर देन 90% उसमें जेन्युइन बायर ही होते हैं, क्योंकि किसी को भी विजिट करना है, किसी को भी आना है, या तो आप एज ए विजिटर जा सकते हैं या फिर आप एज ए प्रेजेंटर जा सकते हैं, यानी वहां पे अपनी स्टॉल लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी विजिट भी करता है या स्टॉल करता है उनको पैसा देना पड़ता है, फ्री में नहीं होता है, इसलिए वहां पे जेन्युइन लोग ही आते हैं, फेक लोग कम आते हैं। अगर मैं बात करूं एट फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स, अगर आप दूसरी कंट्री में, आपके टारगेट कंट्री में आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली रह रहे हैं तो उनको आप भेजिए कि भैया यहाँ शॉपिंग मॉल में जाइए, इसमें जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उनका नंबर लीजिए, उनका व्हाट्सअप नंबर लीजिए, उनका ईमेल आईडी लीजिए, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और बायर को फाइंड कर सकते हैं। 9th नंबर, ट्रेड फेयर में अगर आप नहीं जा सकते, उतना पैसा आपके पास में नहीं है, तो ट्रेड फेयर की आप डायरेक्टरी ले सकते हैं, डायरेक्टरी आपको बहुत सस्ते मिल जाएगी। और अगर आप EPC के पेड मेंबर हैं, यानी किसी भी EPC के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जैसे अगर आपके पास में राइस है तो आप अपेडा के मेंबर होंगे, अपेडा का आपके पास में RCMC होगा, तो वो भी
आपको बायर का लिस्ट देता है, और अपेडा से आप बेसिकली जहां पे भी ट्रेड फेयर हो रहा है उनका आप डायरेक्टरी भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिकली 10th लास्ट बट नॉट द लिस्ट EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे टोटल 33 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जिस भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपका प्रोडक्ट आता है वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना RCMC लीजिए, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं वो हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, तो उसका आप मेंबर लेंगे तो वहां से भी आपको बायर का लिस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा बिजनेस में आना चाहता है या जॉब कर रहा डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बायर फाइंड करने में डिफिकल्टी फेस कर रहा है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.